इंदौर से सटे देपालपुर में बब्बी दरबार ने विधायक विशाल पटेल को दिया चैलेंज। यदि आप दशहरा नहीं मना सकते तो साफ कर दें, हम मना लेंगे। दरअसल विश्व भर में प्रसिद्ध बेंट माँ का अति प्राचीन और प्रसिद्ध दशहरा उत्सव इस बार संशय की उलझनों में है और उसका सीधा सा कारण देपालपुर विधायक विशाल पटेल और उनकी टीम है, क्योंकि बेंट माँ का परंपरागत दशहरा उत्सव जिसमें बंदूक से मटकी फोड़, खड़ी पहाड़ी पर घुड़दौड़ और घोड़ों के करतब सहित आकर्षक आतिशबाजी के साथ रावण दहन का आयोजन होता है। आपको बता दें कि सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति जिसमें सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, विभिन्न समाजों और धर्मों के सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित होते हैं, लेकिन बीते वर्ष में प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ जाने के बाद स्थानीय विधायक विशाल पटेल ने कार्यक्रम की रूपरेखा ही बदल कर रख दी, जिसके चलते सार्वजनिक कार्यक्रम अब दलगत कार्यक्रम के रूप में तब्दील हो गया है। हालांकि विधायक विशाल पटेल ने दावा किया था कि इस आयोजन को आगामी वर्षों तक इसी तरह से जारी रखेंगे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के चलते विधायक जी यानी विशाल पटेल कांग्रेस के बेटमा से मीलों दूर हो गए। वो दशहरा उत्सव के आयोजन का किया गया वादा बेहद आसानी से भूल गए। नवरात्रि की शुरुआत में विधायक तथा उनकी टीम माँ अमन चमन मंदिर दशहरा मैदान पहुंच मार्ग पर बिजली और पानी की व्यवस्था ही नहीं करवा पाई, जिसके कारण श्रद्धालुओं को 3 दिन तक परेशान होना पड़ा। इसके बाद बेटमा नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान यानी बब्बी दरबार ने सड़क मार्ग के साथ ही टेकरी पर आकर्षक बिजली की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था करवाई। यही नहीं, सीढ़ियों पर पुताई भी करवाई। आपको बता दें कि बब्बी दरबार ने पहले भी कहा था कि हम दशहरा नहीं मनाएंगे, ये काम विधायक और उनकी टीम ही करे, लेकिन आज तारीख तक ऐसा नहीं लग रहा है कि विधायक और उनकी टीम दशहरा उत्सव मनाएगी। इस बात पर बब्बी दरबार ने विधायक को सीधे चैलेंज किया है, यदि आप दशहरा मनाएं तो ठीक है, नहीं तो सार्वजनिक रूप से हमें कह दें, हम कोविड नियमों का पालन करते हुए सभी समाज और वर्गों के प्रतिनिधियों को मिलाकर 1 घंटे में रावण दहन का आयोजन करके दिखा देंगे। हालांकि राजनीति के मैदान में बब्बी दरबार ने आगे की बल्लेबाजी के लिए विधायक को आमंत्रित भी किया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वो बैटिंग करने आते हैं या वॉकओवर दे देते हैं। जो भी हो, लेकिन फैसला बेट माँ की धर्म प्रेमी जनता के हित में आए ऐसा सभी सोच रहे हैं। के जो कार्यकर्ता उन लोगों ने पिछले वर्ष तो बड़े लंबे लंबे कुर्ते पहन पहन कर उस पहाड़ी पर रोज दौरा करते थे। तीसरे दिन प्रशासनिक अधिकारियों को ले जाकर कभी खुद जाकर रोज वीडियो डालते थे कि आज पहाड़ी पर ये दिखाया है, आज पहाड़ी पर ये सफाई करवाई है, आज पहाड़ी पर ऐसे पत्थर हमने बिनवाए हैं, ये करा। इस वर्ष तो 4 कुर्सियाँ लगाकर वहाँ पर बैठ गए थे स्टेज पे। जो आते थे उनसे कहते थे भैया ऐसा मनेगा, तो इस वर्ष कहाँ गायब हो गए वो लोग। मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप लोग मनाए ना दशहरा, आप लोगों ने पिछले वर्ष आयोजन को बिगाड़ा इस गांव के सार्वजनिक आयोजन को। और जिन लोगों को यही पता नहीं कि नवरात्रि क्या होती, पहली नवरात्रि क्या होती, दूसरी क्या होती, तीसरी क्या होती, अष्टमी क्या होती, सप्तमी क्या होती माता जी की, या दशहरे का आयोजन कैसे मनाया जाता, ऐसे लोगों के जो बेटमा के लोकल लोग हैं उनको हाथ में देकर इस आयोजन की फिजा खराब करी आपने, इस गांव की दशा और दिशा खराब करी आपने। और इसमें मैं तो कहना चाहता हूँ आपसे, जब पिछले वर्ष आपकी सरकार थी तो हम लोगों ने तो आचार संहिता में भी 5 बंदूकें और 3 घोड़ों घोड़ों की रेस करवाई। आपकी तो सरकार थी, आप जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि वो खुद आयोजक थे, तो आप तो 50 बंदूकें चलवाना थी, आपने 5 बंदूकें क्यों चलवाई? और इसके बाद भी वो मुंह से बोल दे कि हम नहीं कर देंगे, तो हम 1 घंटे के अंदर इस दशहरे के आयोजन का और रावण दहन करके हम बता देंगे कि आयोजन रावण दहन ऐसा होता, हम कोविड-19 के तहत न तो हम घुड़दौड़ करवाएंगे, न ही निशानेबाजी करवाएंगे, सिर्फ रावण माता जी की पेड़ी पर हमने जो करवाया लाइट और पेड़ी पुताई और पानी की व्यवस्था, वो माता जी के मंदिर के लिए 9 दिन माता बहने जाती इसलिए करवाई, गांव की
आपके लोगों के निवेदन पर, उसके बाद में भी हम तो एक घंटे में रावण का भी करवा देंगे दहन। आप लोग बोल देंगे हमसे नहीं हो रहा है, हम तो आपको फिर खुली रूप से चुनौती दे रहे हैं, आप करें। बेटमा से विशेष संवाददाता उजेर खान की रिपोर्ट।